नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, चाहे फिर वो भारत का पठानकोट हो, पुलवामा हो या फिर मुंबई का ताज होटल। कोई भी आतंकवादी घटना हो, खून हमेशा बेगुनाहों का ही बहता है। मरता हमेशा कोई बेगुनाह ही है, क्योंकि जब भी कोई आतंकी घटना होती है तो उसमें मरने वाले बेगुनाहों के लिए सभी को दुख होता है। तब कोई मरने वालों का मजहब पूछकर उनके लिए संवेदना व्यक्त नहीं करता। लेकिन जब आपको पता चले कि आपके ही देश का कोई, आपका अपना वफादार, आपको दगा दे जाए तो पीड़ा बहुत होती है और साथ ही आता है गुस्सा। बात कर रहे हैं डीएसपी देवेंद्र सिंह की, जो पिछले करीब 2 महीने से रडार पर था और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के आरोप में उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देवेंद्र सिंह के खिलाफ जांच कई बार बैठी, लेकिन अलग अलग हालात या फिर कहें हालात उसके फेवर में होने की वजह से वो बचता चला गया। लेकिन इस बार उसका लक काम नहीं किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कैसे इस शातिर को सुरक्षा एजेंसियों ने धर दबोचा, इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। दरअसल बीते शुक्रवार यानी कि 10 जनवरी को देवेंद्र सिंह ने हिजबुल के स्वयंभू जिला कमांडर नवीद बाबू से बात की थी और पिछले 2 महीने से रडार पर होने की वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियों की देवेंद्र सिंह पर नजर थी। तो देवेंद्र सिंह के इस कॉल को रिकॉर्ड भी कर लिया गया और पूरे प्लान की जानकारी भी हो गई। प्लान के मुताबिक शनिवार को देवेंद्र सिंह नवीद बाबू और उसके साथी को अपनी i10 कार से श्रीनगर लेकर रवाना हुआ। उसकी कार तेजी से जम्मू की तरफ जाने वाले हाईवे पर दौड़ रही थी। इधर शोपिया के डीएसपी संदीप चौधरी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने, जिनको देवेंद्र सिंह के हर मूवमेंट की जानकारी थी, रिकॉर्ड की गई कॉल की वजह से इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग दक्षिण कश्मीर के DIG अतुल गोयल को सौंपी हुई थी, जो खुद ही मामले को देख रहे थे। कुलगाम के पास मीर बाजार में पुलिस चेक नाके के पास डीएसपी देवेंद्र की कार को रोक देती है। मौके पर DIG मौजूद थे। कार रोकते ही छोटी सी पूछताछ हुई और पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। मौके पर देवेंद्र सिंह ने अपना रौब झाड़ने की भी कोशिश की थी, लेकिन DIG को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। देवेंद्र सिंह को आतंकियों की मदद करने में इन्वॉल्व पाकर DIG अतुल गोयल को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने देवेंद्र सिंह को जमकर डांट पिलाई। गिरफ्तार लोगों में देवेंद्र सिंह के साथ साथ 2 हिजबुल मुजाहिदीन और लश्करे तैयबा के आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और क्योंकि देवेंद्र सिंह आतंकियों की मदद कर रहा था, इसलिए उससे भी आतंकियों की तरह ही पूछताछ की जा रही है। हैरानी होती है ये जानकर कि देवेंद्र सिंह खुद एंटी टेरर ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG ने बताया कि देवेंद्र सिंह के आवास से पुलिस ने 3 AK-47 राइफल और 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। डीएसपी देवेंद्र सिंह इतना शातिर है कि उसने आतंकियों को श्रीनगर पहुंचाने के लिए ड्यूटी से छुट्टी ली हुई थी और इस वक्त वो श्रीनगर एयरपोर्ट पर एंटी हाईजैकिंग यूनिट में तैनात था। इस कांड से उसके तार जुड़े देखते हुए इसे सस्पेंड कर दिया गया है और जब मामला इतना बड़ा तो इस पर राजनीति होना भी तय था, इसलिए अब कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर BJP पर हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए सीधा केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने RSS पर भी हमला बोला है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कई गंभीर सवाल उठा दिए। चौधरी ने लिखा, क्या देवेंद्र सिंह मूल रूप से देवेंद्र खान है? इस बारे में ट्रोल रेजिमेंट को साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में जवाब देना चाहिए। मजहब, रंग और कर्म को किनारे रखते हुए देश के ऐसे दुश्मनों की एक सुर में आलोचना की जानी चाहिए। चौधरी ने आगे लिखा, घाटी में बड़ी कमी उजागर हुई है जो हम पर भारी पड़ती दिख रही है। हम खुद को पाखंडी और मूर्ख नहीं बना सकते। आगे चौधरी ने लिखा, अब ये सवाल उठाना लाजमी है कि पुलवामा हमले के पीछे किसका हाथ था। इस पर नए सिरे से गौर करना बेहद जरूरी है। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि कौन है देवेंद्र सिंह, 2001 में संसद में हुए हमले में उसका क्या रोल था, पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उसका क्या रोल था जहां वो DSP के पद पर तैनात था, क्या वो अपनी कार में हिजबुल के आतंकियों को ले जा रहा था या वो पूरी साजिश का सिर्फ एक मोहरा भर है और इसका मुख्य साजिशकर्ता कहीं और है। अब जब कांग्रेस ने जी भर कर इस मामले पर सियासत कर ली तो फिर BJP ने भी कांग्रेस को इस मामले को तूल देने के लिए जमकर लताड़ा।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी अधीर रंजन चौधरी और रणदीप सुरजेवाला के बयान की निंदा करती है। इस पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस ने वही किया है जिसमें कांग्रेस निपुण है, सक्षम है, और वो है भारत पर हमला और पाकिस्तान का पक्ष लेना। पात्रा ने कहा कि अधीर रंजन ने आप देखा ना ताब और मिनटों के अंदर धर्म ढूंढ लिया। आतंकवाद पर धर्म की राजनीति करना कांग्रेस की संस्कृति है। इसके बाद पात्रा ने पुलवामा हमले पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस को सीधी चुनौती दी। कहा कि मैं कांग्रेस नेतृत्व को कैमरे पर आने की चुनौती देता हूं। पूछता हूं कि क्या उन्हें पुलवामा हमलों के बारे में कोई संदेह है, और अगर उन्हें सेना या हमारी खुफिया एजेंसियों पर कोई संदेह है कि पाकिस्तान ने पुलवामा नहीं किया, तो उन्हें आगे आना चाहिए। अब इस मुद्दे का बढ़ना और इस पर सियासत होना तय है, क्योंकि मुद्दा बड़ा है और भारत का ही कोई डीएसपी आतंकियों का साथ देता हुआ दबोचा गया है। अब देखना होगा कि देवेंद्र सिंह से पूछताछ में और क्या क्या सामने आता है। आखिर कहां तक जुड़े थे देवेंद्र सिंह के तार? आतंक की बस्ती में आखिर कहां तक थी देवेंद्र सिंह की पैठ? सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं।